Yeah, today we are actually celebrating the Environmental Day. After two long years of wait, the long waited years, so happy that the children are here, but of course definitely missing our Ajay sir, who is the animal lover as well as the nature lover. But yet, sir, we really miss you. But I just want to tell you one thing, it's a message to every one of us that we need to nurture trees, plants, you know, and advocate greenery around. So this is what is a short message that I want to give. We have to, as said by the chief guest, that we also need to adopt one, each one, plant one. I think we must, all of us must adopt this policy. Thank you so much. Good morning to everyone. अजय सर और प्रशांत सर की वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है. अजय सर जैसा मैडम ने बोला कि वो एनिमल लवर्स है, नेचर लवर्स है, और प्रशांत सर हमारे जो एक्टिविटी चेयरमैन है वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. हमारा डिग्री कॉलेज का एनएसएस यूनिट है, देन सीडब्ल्यूसी हाई स्कूल के बच्चे, जूनियर कॉलेज के बच्चे हैं. हम पेड़ों का महत्व, फॉरेस्ट का महत्व जानते हैं. फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन ही नहीं देता, फूल फल सब देता है, और बारिश भी उसकी वजह से होती है. मगर हमारी लोक संख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे खेती के लिए जंगल हम काट रहे हैं, और इसकी वजह से वो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. एक्चुअली 1/3 एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट, मगर हमारी इधर 20% ही एरिया फॉरेस्ट में है. तो इसलिए कि पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम वन महोत्सव या पर्यावरण दिन या पर्यावरण वीक साजरा कर रहे हैं. तो मैं एक बार और अजय सर, प्रशांत सर, हमारे सब टीचर्स, देन वॉलंटियर्स, एनएसएस और स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ. बृहन मुंबई महानगर पालिका के तीनों के सहयोग से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया था. वृक्षारोपण में मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट लोगों का, वो काफ़ी, मतलब बहुत, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतने स्टूडेंट लोग आके कुछ ट्री प्लांट्स कर रहे हैं. तो आज जो रिस्पेक्टेड अजय कौल सर है, और मतलब वो प्रेसिडेंट है एकता मंच के और सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन, वो कुछ कारण नहीं आ सके, पर उनका जो वर्सोवा में, मतलब मैं जो देख रहा हूँ इतने दिनों से, जो मतलब ब्लड डोनेशन कैंप हो, मेडिकल कैंप हो, मतलब वो समाज के प्रति उनका जो लगाव है, उसके एडिशन में उनका जो मतलब वो प्रति है, वो आज सब मतलब ट्री प्लांटेशन के रूप में अपने को देखने को मिला आज. तो उनका स्पेशलिटी सर का और एक है कि जो पेट गार्डन, मतलब आप पेट गार्डन भी उन्होंने बनाया, मतलब वो उनके जो प्राणियों के मात्रा के प्रति जो लगाव है, वो एनवायरनमेंट प्लस जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनका, तो ये सब कॉम्बिनेशन करके जो ग्रेट पर्सनालिटी बोल सकते हैं. तो वो सर में सब जगह से सब खूबियाँ होने के कारण, मतलब ये जो वर्सोवा के जो बेसिकली जो वर्सोवा है वो बहुत अग्रेसिव और वो जो डेवलप होने के कारण में उनका बहुत बड़ा सहयोग है. तो आज जो प्लांटेशन किया, तो सर का भी बहुत, सर नहीं है आज, और उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बीएमसी की तरफ से. पर्यावरण दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. मैं आप लोगों को विद्यालय द्वारा कराए जाने वाले पर्यावरण संबंधित एक्टिविटी के बारे में बताना चाहता हूँ. हमारे विद्यालय में बच्चों से वृक्षारोपण कराया जाता है. आसपास की जगह को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. हमारे विद्यालय में 4 जुलाई से 9 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह मनाया जाता है. इस दौरान बच्चे वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक करते हैं. कोरोना महामारी ने हमें वृक्षों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है. किस तरह ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, इस बात से आप सभी परिचित हैं. आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है. अनादिकाल से ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे लिए वृक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन मानव ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगल नष्ट कर दिए और पर्यावरण को धूल धुएं से दूषित कर दिया, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और भविष्य खतरे में है. इससे बचने के लिए हमें आगे आना होगा. हमारे विद्यालय में ब्लॉसम नेचर क्लब द्वारा पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों से पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग न करना और आसपास की जगह को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. धरती पर जब होगी हरियाली जीवन में तब होगी खुशहाली.
जय हिंद जय भारत. हैप्पी एंड ओवरवेल्म दैट वी आर प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ऑल इन द स्कूल एंड टुडे वी आर डूइंग इट इन द गार्डन. वी आर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड एवरीथिंग एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट, ट्राइंग टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी क्लीन एंड नाइस. वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट. थैंक यू. वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग ऑल द cleaning and we are collecting the plastics and keeping our environment clean. I'm proud of my school that they have given us the opportunity to save the environment, and the teachers are also teachers to save the environment. But today it feels very special to save the environment like this. In this I want to thank Ajay sir and all the teachers to give the opportunity to save the environment. Thank you. Ajay Paul sir ne jis tarah ka initiative liya hai padhai ke sath sath aap logo ko jo hai tree plantation ki taraf bhi jo hai bahut zyada guide kare, kya kehna chahenge? I think ye kafi acha step tha kyunki bahut se log ye cheez ko ignore karte hain. So इस चीज़ से हमारे कॉलेज के जितने बच्चे फ़िलहाल लाइक आगे आए हैं, आई विश के बाकी कॉलेजेस के, स्कूल के और आसपास के जो लोग हैं स्पेशली बिल्डिंग्स के, वो भी आए. और जैसे हमने अभी प्लांट का सैपलिंग्स डाला है और भी लोग डाले, और हम तो हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे, केयर करेंगे, बाकी और भी लोग इस चीज़ की केयर करें. दैट्स इट. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.